जी नाज़रीन, वो कौन सी सब्जी है जिसका पहला हरफ काटें तो एक खूबसूरत पत्थर, आखिरी काटें तो स्वीट डिश, और दोनों काटने तो एक खूबसूरत लड़की का नाम बनता है। और आप सोच सकते हैं, थोड़ा ज़हन पे जोर डालें, एक सब्जी है, ग्रीन रंग की सब्जी है जिसे हम खाते हैं। अच्छा जी, वो है खीरा। खीरे का काफ काट दिया तो हीरा, खूबसूरत पत्थर, खूबसूरत ज्वेलरी। और अलिफ काट दिया लास्ट से तो खीर, और काफ और अलिफ दोनों काट दिया था हीर, रंजा की जो हीर थी। अच्छा जी, अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसके बारे में कुरान पाक ने कहा है कि ये सांस लेती है। ये इन्फॉर्मेशन भी है जी। आपका टाइम शुरू होता है अब जी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया है, और सुबह की कसम जब सांस लेने लगे, तो सुबह है वो चीज़ जिसके बारे में कुरान मजीद में आया है कि वो सांस लेती है। इसके बाद एक और चीज़, वो कौन सी कसम है जिसका तोड़ना ज़रूरी है, कसम भी खा ली है और तोड़ना भी है। तो वो जनाब आप सोच लें, आपको टाइम दिया जाएगा जी। तो वो है, अगर गुनाह करने या फ़राइज़ को अदा ना करने की कसम खाई कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो कि या नमाज नहीं पढ़ूँगा, तो ये है कसम काबिल कबूल नहीं है, इसको तोड़ना ज़रूरी है और इसका कफ़ारा भी देना होगा, क्योंकि ऐसी कसम आपने खाई ही क्यों। अच्छा जी, आखिरी आपसे एक बात छोटी सी पूछ लेते हैं जो कि आपको लाजमी आता होगा। वो कौन है, वो कौन सी चीज़ है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है या देखती रहती है। ये तो आपको आता है, मुझे पता है, ये तो आप बचपन से सुन रहे हैं जी। जनाब आपने बिल्कुल सही पहचाना, सूरजमक्खी का फूल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली मेरी मज़ीद वीडियोस फौरन मिलती रहें और आप इससे इस्तफादा हासिल करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।